अरे योगी जी, एक काम करिए आप, फटाफट ये लस्सी बनाइए दही वाली, क्योंकि अपनी दुकान पे ऑर्डर बहुत सारा आ गया है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि फटाफट लस्सी, दूध गर्म करके दही जमाओ फटाफट करके। कल 551 लस्सी अमित शाह जी के यहाँ जानी है, इसलिए योगी जी तुम अपना दूध गर्म करते रहो, दूध गर्म करते रहो फटाफट। और तुम क्या कर रहे हो राहुल, तुम्हारा तो मुझे कोई भी तरीका समझ ही नहीं आ रहा। तुम दूध की पैकेट ला के रख देते हो, उसके बाद तुम्हारा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। अरे क्या करना चाह रहे हो भाई, ये दूध लाने से नहीं होगा। अगर साझेदारी में दही लस्सी की दुकान मैंने खोली है तो ये मैं बता ही दे रहा हूँ, जब तक काम बराबर नहीं होगा तब तक पैसे नहीं मिलने वाले। अरे मोदी जी, मैं अपना काम कर तो रहा हूँ, इतना क्यों ढोंक रहे हो, इतनी तेज़ आवाज़ में क्यों बोल रहे हो? आपने कहा मुझसे क्या नाम है दूध गर्म करने के लिए, मैं सुबह 4 बजे से दूध अभी 12 बजे रात तक गर्म कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी लस्सी का ऑर्डर इतना बढ़ता जा रहा है कि क्या बताएं। अरे बिजनेस में जितने फायदे आज एक हफ्ते के अंदर हुए, उसका कोई हिसाब हुआ क्या? उसका कोई हिसाब ही नहीं हुआ तो मैं क्या कर डालूं? मैं अपने पास से थोड़ी कुछ काम करूंगा। मुझे दूध देखो, तुम एक सिलेंडर तो बराते नहीं हो, अब बताऊं लकड़ नहीं चल रही है तो कैसे दूध गर्म होगा? अगर दूध गर्म होगा तभी तो दही जमेगा, और दही जमेगा तभी लस्सी बनेगी। अरे लस्सी तुमने बहुत अच्छी बनाते हो। चलो राहुल, तुम दूध लेकर आते हो और तुम कुछ काम नहीं करते हो, कुछ काम धाम किया करो, मैं बताई दे रहा हूँ। अरे योगी जी, मैं इतनी जबलपुर से जा करके मैं लेके आता हूँ दही दूध, अब तुम ऐसे बातें कर रहे हो। अब बताऊँ, मैं दूध लेकर आता हूँ जलंधर से, पंजाब से लेकर आता हूँ, और यहाँ पे लस्सी दिल्ली में बन रही है तो समय नहीं लगेगा लाने में। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ताने सुनाना बंद करो, तुम लोगों से ज़्यादा काम करता हूँ। अब बताऊँ, पंजाब से मैं दही लेकर आता हूँ। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। क्या यार अखिलेश, ऐसे खाना परोसोगे? ऐसे खाना परोसोगे? अब बताओ, यहाँ पे पीला चावल, सफ़ेद चावल, क्या चावल चावल लगा रखे हो? अरे कुछ अच्छा खाने के लिए दो, यहाँ पे दाल और यहाँ पे सब्जी बना रखी है तुमने, इतना पानी डाल करके सब्जी में। अरे पानी ले दे दो या तो सब्जी ही दे दो, नाम तुमने सब्जी का कर रखा है और यहाँ पे देख लो सब्जी में तो आलू दिखाई नहीं देते एक भी। अरे ऐसी सब्जी खिला करके क्या करोगे? अरे शादी पार्टियों में मैंने सुना है बहुत ही अच्छा अच्छा पकवान बनाए जाते हैं, और तुम्हारे पास तो लगता है कुछ भी नहीं है, ये बताओ हमको। अरे योगी चचा, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें तो यही तो समझ नहीं आ रहा है, जो कुछ यहाँ पे मोदी जी के यहाँ बना है वो चुपचाप प्लेट लेकर के खा लो। अब देखो यहाँ पे ये खुद मोदी जी देख रहे हैं कितना कितना परोस रहे हैं। यहाँ तो बता रहे मोदी जी कि ये लोग खाना खा के नहीं आते हैं, यही अपने यहाँ खा लेते हैं, तो कम कम चावल और कम कम सब्जी देना, चावल सब्जी चिखा लो, और बाकी यहाँ पे खाना दूसरे VIP आदमी के लिए है। अब बताऊँ, हम लोगों को दिहाड़ी पे कर रखे हैं, अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें। अरे राहुल जी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये ध्यान करके और अपना कान खोल करके सुन लेना, सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ, सभी लोगों को। लेकिन राहुल, तुम्हें मैंने ये काम पूरे जिम्मेदारी के साथ सौंपा है, तुम्हें ये बताऊँ, चावल बहुत कम कम देना लोगों को, ये 5-5 दिन से खा करके नहीं आते ये समझ लेना, थोड़ा चावल देना इनको, कितना भी बोलो लेकिन ये टूट पड़ते हैं खानों पे। तो ऐसा काम करना, तुम खाना भी इनको थोड़ा थोड़ा देना, सब्जी में पानी और मिलवा देना फटाफट। अरे देख लिया योगी जी आपने, देख लिया, ऐसे ही मोदी जी कह रहे हैं तो जैसे कह रहे हैं वैसे सुन लो। अभी तो तुमने सुन ही लिया होगा धीरे धीरे, क्योंकि बहुत तेज आवाज में बोल रहे थे, ये कितना भी बोलते हैं लेकिन फिर भी लोग खाते हैं, तो तुम देख लो उस हिसाब से चल लो। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब।